उत्तर पूर्वी दिल्ली के नगर निगम के सबसे बड़े अस्पताल स्वामी दयानंद अस्पताल में नवनिर्मित ऑपरेशन थिएटर का लोकार्पण बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने किया। इस ऑपरेशन थिएटर को बनाने के लिए करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत आई। इस ऑपरेशन थिएटर के चालू हो जाने से अब स्वामी दयानंद अस्पताल में आने वाले मरीजों को काफी लाभ होगा। पहले मरीजों को ऑपरेशन की डेट लेने के लिए महीना लग जाते थे, लेकिन अब इस ऑपरेशन थिएटर के बन जाने से मरीजों को जल्द ही ऑपरेशन की डेट मिल जाएगी। आपको बताते चले कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में निगम का स्वामी दयानंद अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल है और कोरोना काल में ही अकेला अस्पताल है जो मरीजों को अपनी सुविधा प्रदान कर रहा है। बाकी दिल्ली सरकार के अस्पताल कोरोना के मरीजों के लिए हैं। ऐसे में ऑपरेशन थिएटर के बन जाने से मरीजों को जल्द ही सुविधा मिलेगी। स्वामी दयानंद अस्पताल जो कि पूर्वी दिल्ली का बहुत ही महत्वपूर्ण अस्पताल है, सामान्य व्यक्ति हो, गरीब से गरीब व्यक्ति हो, यहाँ अपना इलाज बहुत अच्छी तरीके से कराता है और डॉक्टर्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं। और आज जिसकी बड़ी जरूरत थी, क्योंकि यहाँ पर एक ही ऑपरेशन थिएटर था जो जिसकी बिल्डिंग भी खराब थी, नया ऑपरेशन थिएटर बनने से जो ऑपरेशन में वेटिंग थी वो खत्म होगी, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा होगी और यहाँ 5,000 से ज़्यादा ओपीडी मरीज देखे जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि एक दिन में लगभग, जैसे एमएस डॉक्टर मैम बता रही हैं कि 70 के आसपास प्रसव रिड्यूस होती है। तो ऐसे में आज ये ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन लोगों की ये बहुत सुविधा का केंद्र बनेगा और जो वेटिंग है वो समाप्त होगी और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ हो सकता है। देखिए, पूर्वी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली के सभी निगम बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जो निगम को फंड ना देकर निगम के कामों में कहीं ना कहीं अड़ंगा लगाती है और निगम हमेशा लोगों की सुविधाएं बढ़े, लोगों को सुविधाएं मिले, इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहती है। निगम ने इन विपरीत परिस्थितियों में ये काम करके दिखाया, इसके लिए निगम बधाई का पात्र है। और मैं उम्मीद करता हूं कि स्वामी दयानंद हॉस्पिटल पूर्वी दिल्ली में और ज़्यादा जन सुविधाएं बढ़ें, इसके अंदर और ज़्यादा सुविधाएं बढ़े, मेडिकल सुविधाएं बढ़े, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा प्रयास करे। ये दिल्ली के अंदर पूरे देश में कम हो रहे हैं, दिल्ली में बढ़ रहे हैं, लोगों को चिंताजनक है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। और सुविधाएँ लोग आज अस्पतालों में वेंटिलेटर्स नहीं है, आईसीयू बेड्स की कमी है, उसके कारण से इलाज नहीं मिल पाने के कारण से और वोलेटाइलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बड़ी चिंताजनक है, इस पर दिल्ली सरकार को काम करना है। ऐसा है कि दो चीजें आज हमने यहाँ पे शुरू की है, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे यहाँ पे लिखा हुआ एक्सटेंडेड लेबर रूम और इसके ऊपर ऑपरेशन थिएटर। तो अभी कोरोना काल में चूंकि हमारे पास में जो बड़ा अस्पताल था जीटीबी, जब से वो कोविड अस्पताल बना तो गर्भवती महिलाएं डिलीवरी के लिए सारा लोड हमारे यहाँ शिफ्ट हुआ, तो उसी को ध्यान में रखते हुए बहुत ही जल्दी ये हमने कॉम्प्लेक्स बनाया एक्सटेंडेड लेबर रूम। तो यहाँ पे जितने भी गर्भवती महिलाएं आती हैं उनको, ताकि बाहर ना बैठना पड़े, उन्हें असुविधा ना हो, उसके लिए ये एक्सटेंडेड लेबर रूम बनाया। दूसरी चीज़, अभी जो इलेक्टिव सर्जरीज ज़्यादातर अस्पतालों में बंद पड़ी हुई थी, उसी के मद्देनज़र ताकि इलेक्टिव सर्जरीज लोगों की हो सकें और नॉन कोविड पेशेंट को सफ़र ना करना पड़े, इस ओटी का निर्माण कराया गया। देखिए, 2 वर्ष पहले हमारा जो पुराना ऑपरेशन थिएटर ब्लॉक था वो जर्जर अवस्था में होने की वजह से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने इसे असुरक्षित घोषित कर दिया था। तब से बहुत परेशानी हो रही थी, मरीजों को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ रहा था ऑपरेशन के लिए, इस ऑपरेशन थिएटर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी और सबके प्रयासों से ये ऑपरेशन थिएटर कोरोना के लॉकडाउन बीच में एनजीटी का बहुत बार कंस्ट्रक्शन पर रोक लग गई, उसके बावजूद यह ऑपरेशन थिएटर तैयार हो गया। इसके लिए मैं जिन्होंने भी इसमें अपना सहयोग दिया है उन सबका आभार व्यक्त करती हूँ और अब ये जल्दी से फुली फंक्शनल हो।
वहीं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने इस मौके पर अस्पताल प्रशासन को इसके लिए बधाई दी और कोरोना योद्धाओं का हौसला भी बढ़ाया। बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन कर रहे हैं। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। वैद बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।